दोस्तों मैं इधर आया हूँ होटल पे, ये पिज़्ज़ा मास्ट्रो इधर सामने है। दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ पिज़्ज़ा मास्ट्रो के अंदर, ये मेरी लास्ट ड्यूटी है। तो आज फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा बारिश होती तो गाड़ी नहीं साफ़ करना पड़ता, आज फिर साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि पहले से धूल लगी रहती है, उसके बाद में जब बूंदाबांदी होती है तो इसलिए गाड़ी ज़्यादा ख़राब दिखने लगती है, तो साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ करेंगे भी। तो दिखा रहा हूँ ये बेचारा म्यूनसिपाल्टी वाला है जो इधर सफाई करते हैं, इनकी भी कोई छुट्टी नहीं रहती, सुबह 4 बजे से इनकी ड्यूटी रहती है 2 बजे तक, ईद बकरीद इनकी भी कोई छुट्टी नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूँ इमरान, इमरान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप लोग को तो पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, अभी मेरी ड्यूटी लग नहीं रही है ऑफिस की, और अभी ये लोग आए भी नहीं हैं, अभी कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि ये लोग कब आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है ना तो मुझे फ़ोन आया किस टाइम पे एयरपोर्ट आना है, ना तो यहाँ पे जो लोग हैं वही लोग बोले हैं कि आपको को कितने टाइम एयरपोर्ट जाना है कब। तो अभी बस यही यही लोकल में ही थोड़ी बहुत ड्यूटी रहती है, उसके बाद में और कहीं बाहर ड्यूटी रहती नहीं है, और यही लोकल में कितना वीडियो बनाऊँ आप लोग को क्या दिखाऊँ, मेरे खुद नहीं समझ में आता है कि मैं क्या दिखाऊँ। कभी कभी तो वीडियो बनाने का दिल नहीं करता, लेकिन जब डेली का रूटीन है वीडियो डालना तो भी ज़रूरी है, इसलिए कुछ ना कुछ दिखाता रहता हूँ। दोस्तों अभी मैं बहुत लेट उठा हूँ सो के, और अभी मैं नाश्ता बना रहा हूँ एक तरफ, और एक तरफ जो है इधर मशीन में अंडा भी रख दिया हूँ गल रहा है, क्योंकि खाना भी बनाना है। दोस्तों उधर हीटर पर रख दिया हूँ, चाय बन रही है नाश्ता करने के लिए। इधर ये जो है मशीन में अंडा रख दिया हूँ, इधर ये अंडा भी उबल रहा है, इधर वो मग रख दिया, उधर भाप निकल रही है, नहीं तो कालीन पूरा भीग जाएगी। अभी आज बनाना है अंडा और करी, तो अभी मैं बना रहा हूँ खाना, खाने में मैं बना रहा हूँ अंडा करी। ये अंडा फ्राई कर लिया हूँ और इसमें ये प्याज लाल कर रहा हूँ, इधर ये मसाला है, इसमें प्याज लहसुन अदरक सब डाल दिया हूँ, लाल हो रहा है अभी, अच्छे से इसको भून लेंगे, उसके बाद इसमें जो है मसाला डालेंगे। दोस्तों हमारे अंडा करी बनके रेडी हो गई है, बस इसमें खाली डालना है मुझे हरी धनिया काट के, इसमें हरी धनिया काट के डाल दिया हूँ ये अंडा करी में। दोस्तों अभी मैं गाड़ी साफ़ कर दी हूँ, बस खाली कपड़ा भिगो के, दोनों गर्दा थी उस पर वही बूंदाबांदी हुआ था, साफ़ कर दिया, अच्छे से साफ़ हो गई है, पानी से नहीं साफ़ किया हूँ, और ये एक वाइट वाली भी इसको सुपर सफारी, इसको भी साफ़ कर दिया हूँ। अब बाकी एक गाड़ी बाकी है, तो अभी 4 बजे के बाद साफ़ करेंगे, जब 4 बजे वो गाड़ी आएगी। तो दोस्तों इधर देखिए मदरसा छूटने का टाइम हो गया है, सब बच्चे छूट रहे हैं, इधर से सब जा रहे हैं गाड़ी लेके अपना अपना, इधर वो निकल रहे हैं सब लोग। तो मैं थोड़ा लेट से बाहर निकला हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दोस्तों अभी मैं गाड़ी भी साफ़ कर दी और अपने पर्सनल काम से भी फुर्सत हो गया है, जो मेरे रूम का पर्सनल काम था, जैसे खाना बनाना था, खाना भी बना लिया हूँ, लेकिन अभी कपड़ा भिगो के रखा हूँ, कपड़ा धुलना है, क्योंकि अभी मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, जो पुरानी वॉशिंग मशीन थी वो ख़राब हो गई थी, उसी उसको कबाड़ी को बेच दिया हूँ। अभी लोग देखो आजकल कर रहे हैं कब लेके आते हैं, अब मैडम आए तो उससे जो है दोबारा बोलता हूँ, उसके बाद ही आएगी, क्योंकि जब मैडम से बोलूँगा तो अपने बेटे से बोलेगी तो बेटा लेके आएगा फिर, या तो मैडम जाके खुद जो है मार्केट से दिलाएगी, जैसा भी होगा। अभी वॉशिंग मशीन नहीं है, अभी हाथ से धुलना पड़ता है, लगभग 2 महीने से यही हाल है, हाथ से धुलना पड़ रहा है। दोस्तों अभी मेरी तबीयत तो ठीक हो गई थी, लेकिन आज से मुझे थोड़ा बहुत फिर से तकलीफ़ है, अभी चला हूँ दवा खाने, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, खा लेता हूँ, इससे जो है तबीयत थोड़ा ठीक भी हो जाएगी, नहीं तो पता लगा कि आज या कल में मैडम लोग आ गई तो पता लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, उसके बाद में ड्यूटी शुरू हो जाएगी तो बोलेगी अभी तो 10 दिन आराम किया था, हम लोग आ गए हैं तो इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो मुझे भी दिक्कत होगी। दोस्तों यही एक ही दवा खा रहा हूँ, जो ये बुखार सर दर्द बदन दर्द की है, सऊदी अरब में इतना टाइम हो गया मैं जो है कभी दवा से नहीं चलता था, लेकिन इस बार मालूम नहीं क्या हो गया है, जब से आ जाऊँ हूँ 2 बार ऐसा हुआ, बीमार हो गया, एक बार जाने से छुट्टी जाने से पहले 1 साल पहले जो है बीमार हुए थे, नहीं तो मैं सऊदी अरब में जो है दवा कभी नहीं किया हूँ। दोस्तों अभी मेरी ड्यूटी लग गई है, मुझे कुछ टाइम पहले ही पैसा ला के दे दिया था और बोला था कि कबाब की होटल पे जाना है, कबाब लेके आना है, नाम बता थी ये दिया था, मुझे नाम पता है, पीछे ही रोड पे है, और अभी फ़ोन किया कि मेरे पास उधर जाके चले जाओ, मैं ऑर्डर कर दिया हूँ टेलीफोन पे, उधर रेडी है,
तो मैं भी जा रहा हूँ, पहले तो होटल पे जाता हूँ, कब इनका जो है कबाब लेना है, फिर वहाँ से मुझे जाना है बकाले पे, बकाले से लेना है लेबन यानी छाछ लेना है। दोस्तों हम लोग को वीडियो इतना बचा के बनाना पड़ता है, अभी मैं वीडियो बना रहा था लेकिन गाड़ी के अंदर ही जो है बना रहा था, पीछे से लड़का आ गया, अच्छा हुआ कि देख नहीं पाया, तो देखता भी तो क्या करता, बोल मैं बोल देता कि मैं बात कर रहा था। बहुत मुश्किल है हम लोग को यहाँ पे, बहुत बचाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप लोग वीडियो पे बने रहना, मैं होटल पे पहुँच के वहाँ की वीडियो आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ ये होटल पे, ये कबाब की होटल है, इसी पे जो है ऑर्डर दिए हैं, अभी लेके आता हूँ। दोस्तों मैं ये होटल से इनका कबाब लेके आ गया हूँ, और इसमें ये है हुम्मस है, इसमें एक में हुम्मस है एक में मुतब्बल है। ये हुम्मस जो है चना का इसे बनाते हैं, ये जो है मुतब्बल है, और नीचे वाला ये दूसरा वाला जो है ये हुम्मस है, ये जो है चने से बनाते हैं। दोस्तों मैं इधर आ गया हूँ, पहले मैं अपनी रोटी ले लेता हूँ, रोटी लेने के बाद में मुझे लेना है रोटी भी, तो ठीक है चलो आज ये वाली है ले लेता हूँ, ये वाली रोटी ले लिया हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ से लेना है लेबन, लेबन ले लिया हूँ। दोस्तों अभी मैं गाड़ी साफ़ करने जा रहा हूँ, कल वो जो है थोड़ा बूंदाबांदी हुई थी आप लोगों से बताया था, ये अब मैं अपनी वाली और वही वाइट वाली साफ़ कर दिया हूँ, जो छोटी वाली है उसी को साफ़ करने जा रहा हूँ। तो पानी रख दिया हूँ बाल्टी में, मैं भी गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। साफ़ कर लिया हूँ अभी, ये ज़्यादा पानी नहीं गिराया हूँ, बस वैसे कपड़ा मार के साफ़ कर दिया हूँ। इधर ये दिख रही है गाड़ी, और इधर वाशिंगटन में जो है पानी भी, जो गाड़ी साफ़ किया था यही पानी बचा था, यही पानी भी डाल दिया हूँ। दोस्तों अभी मैं इधर महात्मा की तरफ में आया था थोड़ा घूमने के लिए, अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, आप लोगों को इधर का नज़ारा दिखाता हूँ इस साइड का। दोस्तों अभी मैं, मुझे गाड़ी साफ़ करना था, मैं गाड़ी साफ़ कर लिया हूँ। दोस्तों अभी मैं तो कहीं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बाहर बना पाता हूँ, बस यहीं लोकल में अपने जिधर टहलता हूँ इधर वीडियो बना लेता हूँ। दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।